मैं यहाँ हूँ, मैं यहीं का हूँ और यहाँ करते जा रहा हूँ और कहीं करते रहेंगे। हमारा अनुभव काफ़ी है। जहाँ से मैं पैदा हुआ हूँ वहाँ के चीफ मिनिस्टर्स दोनों हमें सम्मान के साथ रिसीव करते हैं। उनमें है चीफ मिनिस्टर करुणानिधि, बहुत एक्सपीरियंस्ड है, बहुत स्किलफुल है, मैं उनके बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। उनसे एक बार पूछा था, मैं कुछ कर सकता हूँ? हमारे 30,000 लोग काम करते हैं तमिलनाडु में, मतलब टोटल मिलाकर 1,00,000 जॉब होता है, वो उनको मालूम है। तो वो कह रहे थे, मुझे एक चिंता है, चिंता ये है 1,00,000 स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़कर बाहर आते हैं, उनमें आप मान लीजिए 10,000 एम्प्लॉयमेंट हो जाते हैं आपके जैसे अच्छे कंपनी में, 10,000 और हो जाते हैं थोड़ा कम लेवल के कंपनी में हर साल, मगर बाकी 80,000 कहीं कहीं नौकरी में करते हैं जिसका इंजीनियरिंग का कोई संपर्क हो, तो उसके लिए आप कुछ कर सकते हैं? ये दिमाग में लगा था, ये प्रॉब्लम तो सब स्टेट में होगा, तो हमने कुछ किया नहीं। अंदर आकर कंपनी में एक क्वेश्चन उठाया, ये जो आते हैं इंजीनियरिंग के, उसमें 8 स्टूडेंट का कोई आ सकते हैं? कह रहे थे हो सकता है, मगर 2 साल का ट्रेनिंग करना पड़ता है उनको। इंजीनियरिंग पढ़कर आते उनकी, हमारे कंपनी बहुत, इट्स अ वेरी प्रिसाइज ऑर्गेनाइजेशन, जिस दिन ज्वाइन किया, जिस दिन उनकी काम पे बिल्डिंग हुआ उसका दिन गिनना होता है, क्योंकि अवर एफिशिएंसी लेवल इज 84%। तो वो बढ़ता ही जाएगा, कहीं ना कहीं द प्राइस ब्रेक विल कम। तो कैसे एक कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाया जाए, फिर हमने सोचा हम उनको एक रेजिडेंशियल कैंपस बनाएंगे जिसमें उनको ट्रेनिंग भी करेंगे, वहाँ रहेंगे भी, वहाँ काम भी करेंगे। तो तनख्वाह में बड़े बड़े पोर्शन का जो कॉस्ट होता है, घर का, ट्रांसपोर्टेशन का और ट्रेनिंग का, सब अलग अलग से हम उसको निकाल देंगे। तो ये 2 चीज की सेंटर में हमने एक कैंपस बना रहे हैं। इसमें एक साइड है ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग सिर्फ HCL का लोगों का नहीं, जैसे पहले चीफ सेक्रेटरी साहब जावेद थे, अभी आलोक हैं, दोनों से हमारे बात हुई है, हम ट्रेनिंग का बहुत सेंटर रखेंगे, क्योंकि जिसका काम नहीं मिल रहा हो यहाँ ट्रेनिंग करके उनको बाहर आके ही काम मिल सकता है। हम तो लेंगे मगर उसका इंडिपेंडेंटली करेंगे। तो वो सरकार के साथ मिलकर कर रहे हैं। तो ये 2 चीज, तीसरा चीज बहुत, हमारे इंडस्ट्री में लड़की लोग काम करते हैं, हमको अनुभव है एक कंपनी चलाने में जहाँ भी लड़की लोग काम करते हैं, मगर हमका यह अनुभव नहीं है जहाँ पर दोनों साथ रहते हैं, तो उसका इश्यूज कुछ और किस्म का हो सकता है। मगर हमको एक अनुभव है यूनिवर्सिटी चलाने में, वहाँ लड़का लड़की साथ साथ रहते हैं, उसमें 6,000 स्टूडेंट कॉलेज में, तो हम वो पूरे अनुभव लेकर एक इंडस्ट्री बना रहे हैं, एक ट्रेनिंग बना रहे हैं, which is 1/3 girl intensive, so it will become a stellar model for the whole country. So with this promise, now I'll open. Thank you.